हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो एसक्यूएल की है, तो एसक्यूएल में देखेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मिनिमम हमें कैलकुलेट करना है तो मिनिमम कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके साथ ही साथ देखेंगे कि अगर मैक्सिमम कैलकुलेट करना हुआ तो कैसे करेंगे, दोनों ही चीजें देखेंगे। तो चलिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 है जो आसानी से अवेलेबल होता है, और इस पर आपको क्वेरी बनानी होगी। कैसे क्वेरी बनानी है, देखिए टेबल तो बना हुआ है टेबल वन के नाम से। अब क्रिएट पे चलिएगा, क्रिएट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्वेरी डिजाइन पे जाना। ये जो क्वेरी डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे चले जाइएगा और इसे ऑफ कर देना, यानी क्लोज कर देना है। और क्लोज करते ही यहाँ एसक्यूएल नजर आएगा, बस यहीं पर आपको आ जाना है। ये जो सेलेक्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं जो सेलेक्ट लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। हम खुद से सेलेक्ट लिखेंगे इस तरीके से लिख दिया सेलेक्ट। और यहाँ पे चूंकि हमको मिनिमम कैलकुलेट करना है तो यहाँ लिखा मिन, और फिर यहाँ टेबल का नाम देना है, कॉलम का नाम देना है। एक बार टेबल को देख लीजिए, इसमें किसका आप मिनिमम किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर का मिनिमम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर लिखना होगा, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कंप्यूटर लिखना है। तो यहाँ सिंपली लिख देते हैं COMPUT, या जिसका भी देखना हो उसका मिनिमम यहाँ पे, उस वही सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। और कौन से टेबल से आएगा तो फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम देना है, ठीक है। तो टेबल का नाम क्या है हमारे, टेबल वन है, ठीक है। जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही टेबल वन हमें लिखना है। तो यहाँ पे TABLE टेबल वन, टेबल वन करने के बाद यहाँ से टर्मिनेशन दे देंगे। टर्मिनेशन देने के बाद अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए डिजाइन पे जब जाएंगे तो यहाँ रन दिखाई देगा, रन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है 43, यानी मिनिमम मार्क्स जो आए हैं वो है 43, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। अगर अब मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो एक दूसरी क्वेरी बनाते हैं, यहाँ से चलते हैं फिर क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, अब मैक्सिमम देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के फिर एसक्यूएल पे चलेंगे और यहाँ सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट लिख करके और यहाँ मैक्स लिखेंगे। मैक्स किसका मैक्स देखना है तो वो कॉलम का नेम देंगे। जैसे मान लीजिए इस बार हमको देखना है किसी दूसरे कॉलम का नाम देते हैं इस बार, लाइक सपोज कीजिए इंग्लिश का देखना है तो इंग्लिश का यहाँ नाम दे देंगे, इंग्लिश लिख देंगे ENGLISH, इस तरीके से इंग्लिश लिख देना है आपको। और ब्रैकेट को क्लोज करना है, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद क्या करना है, कौन से टेबल से आएगा, फ्रॉम टेबल वन, टेबल वन टेबल का नाम है तो ये टेबल वन कर देते हैं। और टेबल वन जब करेंगे तो यहाँ से टर्मिनेशन दे देंगे, ये टर्मिनेशन दे करके, अच्छा ये जो टेबल है उसको क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ से क्या करना है, ये क्वेरी जो है इसको क्लोज कर देना इस तरीके से, ये क्वेरी को इस तरीके से क्लोज कीजिएगा क्वेरी वन। और ये जो क्वेरी टू है ना, ये देखिएगा आप यहाँ पे डिजाइन पे जाके और यहाँ से इसको रन करवा दीजिएगा। तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 88 हैं। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम मार्क्स का भी पता चल जाएगा और मिनिमम मार्क्स का भी पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो इस बार इंग्लिश में देखिए मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 88 ही तो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेरी लगाई जा सकती है, ओके।